बताइए, प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? हाँ कन्वर्जन बता रहे थे ना। ओके, तो कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी। हाँ बिल्कुल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देख रहे थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, मैंने बोला था कि सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के पहले मैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा, क्योंकि जब हम लोग सी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे उसका यूज होगा बिटवाइज ऑपरेटर में। बिटवाइज ऑपरेटर जब आप सी प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे तो वहां पे ये बाइनरी नंबर का जो कन्वर्जन मैं बता रहा हूँ वहां पे आपको यूज करना होगा। इसलिए इसका कॉन्सेप्ट आप सबसे पहले क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग को देखना था, नहीं तो ज्वाइन कर लीजिए अभी जब प्रोजेक्टर नहीं है स्टार्ट है, तो देखना होगा ना। चलिए, तो दोनों मेथड बता दिए थे ना। कौन लिखा वो मुझे पता चल गया है कौन लिखा है, इसलिए तुम पहले ही बता दो स्क्रीन पे कौन लिखा है। कोई आवेश कुमार है? तो ध्यान दीजिए, अभिषेक कुमार रोल नंबर 48 कौन है? यस सर। तुम लिख रहा था स्क्रीन पे? सॉरी सर, हमारी तरफ दिखा रहा था पेन का जो तो दिखा रहा था, तो पेन मत चलाओ। ठीक है, ओके सर। फर्स्ट टाइम वार्निंग मैंने दे दिया, फिर नेक्स्ट क्लास से फिर मैं अगर ऐसा हरकत देखूंगा तो क्लास से सस्पेंड कर दूंगा। नो सर, ऐसा आप नहीं, हम समझे कि हमारे डिस्प्ले पे जो कुछ भी होगा होगा। तो ध्यान देंगे, तो हम लोग यहाँ पे प्रीवियस क्लास में हम आपको माइक ऑफ रखिए, डेसिमल नंबर से आप लोग, अब प्रोजेक्टर स्टार्ट हो गया, मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो जाइए सभी लोग, मोबाइल अपना पैकेट में रखिए, रखो जी बैग में रखो मोबाइल। तो ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पर आज देखने जा रहे हैं कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल।
तो ध्यान दीजिए कैसे हम लोग बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है हमारे पास 1 0 1 0 0 1। ये बाइनरी नंबर है और इसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल नंबर में। एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट रूल, मैं फर्स्ट मेथड बता रहा हूं कैसे आप इसको बनाइएगा। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है, जो मैनुअल मेथड है, आप इसको कंप्यूटर फंडामेंटल में भी आप इसको पढ़िएगा। कंप्यूटर फंडामेंटल में एक चैप्टर ही है नंबर सिस्टम, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग में इसको यूज करना है, इसलिए मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा बाइनरी नंबर है, राइट। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दीजिए। वन, फर्स्ट डिजिट वन है, वन मल्टीप्लाई, वन के बाद कितना नंबर ऑफ डिजिट है, टोटल 1 2 3 4 5, राइट। तो 2 to the power 5 हो जाएगा, 2 to the power 5। फिर उसके बाद हम लोग प्लस करते हैं, वन के बाद फिर नेक्स्ट डिजिट कौन सा है, जीरो, जीरो मल्टीप्लाई, अब जीरो के बाद, ठीक है, टोटल कितना डिजिट है, 4, जीरो के बाद 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिख दिया 4, फिर प्लस मैंने किया, ठीक है, इसके बाद फिर है हमारा 1, 1 मल्टीप्लाई 2 to the power, ठीक है, 3। फिर नेक्स्ट डिजिट क्या है, 1 के बाद 0 है, 0 मल्टीप्लाई 2 to the power 2 हो गया, ठीक है, प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 to the power 1। फिर क्या है, 1, अब 1 के आगे तो कोई डिजिट नहीं ना है, तो 2 to the power क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। अब इसको आप इवैल्यूएट कीजिए, ठीक है, इसको मैंने इवैल्यूएट किया और उसके बाद जो भी सम करके जो रिजल्ट आएगा वही आंसर होगा, 2 to the power 5 क्या होगा, 32। ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, ये क्या होगा, 8 होगा, नहीं सॉरी 6 होगा ना, 8 होगा, हाँ 8 होगा, से यहाँ ये टर्म क्या हो जाएगा, 0, ये टर्म भी क्या हो जाएगा, 0, ये क्या होगा, 1। किसी भी नंबर का पावर 0 रहता है तो 1 होता है, और 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 होगा, यानी 32 प्लस 8 40, और 40 प्लस 1 41, यानी ये 41 का बाइनरी है, ठीक है, यही रिजल्ट हमारा आ गया।
सेकेंड तरीका आप देखिए शॉर्टकट रूल, सेकेंड रूल देखा जाए राइट टू लेफ्ट, यहाँ पे वो सीरीज लिखेंगे लेकिन पहले हम यहाँ पर लिख देंगे 1 0 1 0 0 1, इसके सामने हम सीरीज लिखेंगे। मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था ना, राइट टू लेफ्ट सीरीज लिखते हैं, 1 दो दो से मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़िए, 2 फिर क्या 4 8 16 32 और 1 1 के सामने जो नंबर है उसको सम कर दीजिए, यानी 32 को सम करना होगा, 8 को सम करना होगा और 1 को सम करना होगा, यानी 32 प्लस 8 प्लस क्या होगा 1 होगा, ठीक है, इक्वल टू 41। ये हमारा आंसर हो गया। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, आप बनाइए उसको, ठीक है, और मुझे बताइए। आप शॉर्टकट मेथड के थ्रू भी आप चेक कर सकते हो। व्हाट, ठीक है, यहां पे इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। मुझे फाइनल आंसर चाहिए, आप किसी भी मेथड से बनाइए, डज नॉट मैटर। मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। और लोग को बनाने दीजिए। 186 और किन्हीं का आया है 186। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग बना रहे हो, बताओ क्या आउटपुट आएगा। एक मिनट अभी सर, 186 वेरी गुड सर, 186 आ रहा है, 186 है सर, ठीक है। आप मैनुअल मेथड फर्स्ट मेथड से भी बनाएंगे तो आपका रिजल्ट यही आएगा ना। यस सर, ठीक है। माइक ऑफ रखिए, अगर आपके बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है तो माइक को ऑफ रखिए। वही स्टूडेंट माइक को ऑन रख सकते हैं जो कहीं एकांत में बैठकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसके सामने मुझे सीरीज लिखना है, 1 2 4 8 16 32, याद रहे थोड़ा सा गैपिंग देकर लिखें ताकि कंफ्यूज ना करें, 64 128। तो मुझे जो सम करना है वो मैं एरो साइन बना देता हूँ, 188 को 128 को सम करना है, 32 को सम करना है, 16 को सम करना है, 8 को सम करना है और 2 को सम करना है। इसको आप जब सम करेंगे तो रिजल्ट आएगा 186, राइट। अब किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, राइट, ठीक है, समझ रहे हो, आया तुम्हारा आंसर। चलिए अब इसको हम हटा रहे हैं, हटा देना,
यस सर यस सर ओके। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है अर्थमेटिक ऑपरेशन। जिस तरह से आप मैथमेटिक्स में दो नंबर को ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, मल्टीप्लाई करते थे ना, डिवाइड करते थे, उसी तरह से आप यहाँ पे दो बाइनरी नंबर को भी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, दो ऑक्टल नंबर को भी और दो हेक्साडेसिमल नंबर को भी। लेकिन मैंने ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नहीं बताया है क्योंकि आप ऑलरेडी कंप्यूटर फंडामेंटल में वो चीज आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे केवल जहां सी में मुझे जो नीड है इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूं, नहीं तो ये प्योर आपका कंप्यूटर फंडामेंटल का ही पार्ट है। लेकिन जैसे ही मैं सी में ऑपरेटर्स बताऊंगा तो मुझे यहाँ पर इस चीज को बताना पड़ेगा, नहीं तो वहां पे आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेशन। हेडिंग दे दीजिए आप, अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर। अब सिंपल कोई अगर आपसे पूछे पूछे कि 49 और यहां पे 11 को आपको क्या करना है, प्लस करना है, इसको आपको प्लस करना है, ध्यान दीजिएगा प्लस करना है। तो आप स्टार्टिंग तो आप इसको प्लस करके बताते हैं, 9 + 1 10 हुआ ना, कैरी का कॉन्सेप्ट आया, आया ना कैरी का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर क्या है, 0 हुआ, 1 इसके साथ कैरी हो गया ना, ठीक है। तो 4 + 1 क्या हुआ, 5 + 1 क्या हुआ, 6। आप ऑलरेडी मैथमेटिक्स का रूल जानते हैं, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे आप लोग क्या बता सकते, हाँ बोलो एक बार फिर से समझिएगा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम। 9 + 1 करेंगे तो क्या होता है, 10 होता है ना, 10। तो मैंने यहाँ 0 लिख दिया है, राइट, 1 यहाँ कैरी प्लस हो जाएगा इसमें। तो 4 + 1 5 5 + 4 + 1 5 और 5 + 1 क्या हो गया, 6, यही होगा ना, 60, ठीक है। yes, अब आप लोग मुझे यहाँ बताएं कि यहाँ पे कैरी का कॉन्सेप्ट क्यों हुआ, 9 + 1 10 हुआ, तो डायरेक्ट हम 10 ही लिख देते, क्यों 10 में ही क्यों हम यहाँ पे कैरी का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, 8 पे क्यों नहीं ला रहे हैं। कैरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर 10 पे ही क्यों आता है, एक से ज्यादा वो डिजिट हो समझने के, लेकिन वो रूल नहीं है कि एक से ज्यादा डिजिट हो जाता है, उसका रूल है, कोई बताए 10 पे ही क्यों, बुलियन बीजगणित के अनुसार सर, क्योंकि बाइनरी नंबर के ब्रैकेट के बगल में 10 बाइनरी नंबर तो है ही नहीं जी, बाइनरी नंबर से आपको क्या लेना देना है, ये तो अब ये तो डेसिमल नंबर में कैलकुलेशन कर रहे हैं, चलो आप डेसिमल नाम बोल दिए, डेसिमल नंबर में कैलकुलेशन हो रहा है, तो 10 पे ही क्यों कैरी का कॉन्सेप्ट आता है, 9 तक तो नहीं आता है, क्योंकि यही सोचना है फिर बाइनरी नंबर में, बाइनरी नंबर में कैरी का कॉन्सेप्ट कब आएगा, ऑक्टल नंबर में कैरी का कॉन्सेप्ट कब आएगा, हेक्साडेसिमल में कैरी का कॉन्सेप्ट क्या आएगा। मैंने पहले ही आपको बताया कि जिस तरह से तुम डेसिमल नंबर को ऐड करते हो उसी तरह से बाइनरी नंबर को भी ऐड कर सकते हो, हेक्सा में भी कर सकते हो, ऑक्टल को भी कर सकते हो। तो ऑक्टल में कैरी का कॉन्सेप्ट कब आएगा, बाइनरी में कैरी का कॉन्सेप्ट कब आएगा, डेसिमल में कैरी का कॉन्सेप्ट कब आया, जब 10 आया। अब बता दो, वहां तक नहीं सोच रहे हो, डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है, 10। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था ना, डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है, 10, इसीलिए कैरी का कॉन्सेप्ट आ गया। ऑक्टल नंबर का बेस कितना होता है, 8, मैंने बताया था ना, 8 होता है। तो ऑक्टल नंबर में जब 8 आ जाएगा तो वहां पे कैरी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बाइनरी का बेस क्या होता है, 2, तो बाइनरी नंबर को जब ऐड करेंगे तो वहां 2 आएगा, तो वहां पे कैरी का कॉन्सेप्ट आ गया। अरे बात समझ में, ठीक है। अगर अब देखो यहाँ पर, अब इसका रूल सबसे पहले हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, एडिशन, एडिशन का रूल,
बहुत ही आसान। ठीक है, एडिशन का क्या रूल है वो चीज देखो, जीरो प्लस जीरो सम करेंगे तो क्या होगा, जीरो, जीरो प्लस जीरो करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा, राइट। ठीक है, जीरो प्लस वन करेंगे तो क्या होगा, वन होगा, वन, राइट। ठीक है, वन प्लस जीरो करेंगे तो क्या होगा, वन, वन होगा, राइट। और वन प्लस वन करेंगे तो क्या होगा, टू, टू, लेकिन बाइनरी में टू तो नहीं ना लिख दोगे, नहीं ना लिखोगे, और अगले नाइन प्लस वन हुआ था तो टेन तो जीरो हो गया ना जी, हो गया ना जीरो, उसी तरह से वन प्लस वन टू के बराबर हो गया ना, तो टू क्या है, बाइनरी का बेस है ना, टू क्या हो जाएगा, जीरो, और वन कैरी हो जाएगा। आ रही बात समझ में, यहाँ पर क्या करना होगा, वन प्लस वन जीरो बट विथ कैरी वन, ना विथ कैरी वन, कैरी वन, अब देखिए, अभी तभी आप लिखिएगा जब एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे, अभी समझने का कोशिश कीजिए। अब देखिए मैं बना रहा हूं यहाँ पर एग्जाम्पल, वन जीरो, वन जीरो, वन 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 जीरो जीरो वन। अब मैं इसको सम कर रहा हूं, नाइन प्लस वन जो आया था टेन हुआ था, तो टेन डेसिमल का बेस होता है ना, तो जीरो हुआ था और कैरी यहां वन हो गया था, राइट, वन वन, बोलो ना अभी टू बोलो, वन वन टू, तो बाइनरी का बेस क्या होता है, टू ना, तो यहाँ पर कैरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो, और कैरी वन हो जाएगा ना, तो कैरी यहाँ पर जस्ट प्रीवियस में ऐड हो जाएगा, वन जीरो, वन 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 जीरो, अब बोलो जीरो, वन वन जीरो, कैरी वन ना, कैरी वन यहाँ लिख दिया, वन वन कैरी यहाँ लिखो, जीरो जीरो वन जीरो जीरो जीरो, ठीक है, वन जीरो वन, वन जीरो वन, वन वन जीरो, ठीक है, और एक कैरी आ गया यहाँ पर, यही रिजल्ट। आ रही बात समझ में, ठीक है, अगर समझ गए तो आप एक मुझे बनाकर दिखाइए यहाँ पर, वन जीरो, वन 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 जीरो, वन वन जीरो, वन वन जीरो, वन 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 जीरो, प्लस करना है। चलिए बनाइए इसको, हो गया सर, बता दीजिए आंसर अगर हो गया तो, सर वन जीरो वन, एक मिनट, वन जीरो वन, वन जीरो 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 जीरो, वन 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 वन, यस सर, और किन्हीं लोगों को बनाने दीजिए, ओके, इतना ही आया था आपका, यही आया, यस सर, चलिए यानी दो स्टूडेंट को मैच किया है। यही आया है आंसर, ये जो यहाँ पर देख रहे हो ये आंसर आया है, yes.
सर हो गया सर। यही आंसर आया है? यस सर। तुम्हारा अलग आंसर है, ठीक है। सोचो अगर बहुत लोग का मैच कर रहा है तो आपका गलत होगा, आप देखिए मिलाइए। बना जी तुम्हारा क्या नाम है तुम्हारा? राजीव। राजू राजीव ही ना? हाँ बोल तो बना राजीव। पीछे में बना ध्यान दो, एक बार मैं बनाता हूँ ध्यान दो, उसके बाद फिर सभी से बनना चाहिए। ध्यान दिए यहाँ पे 01 1 1 0 1, यहाँ कैरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 1 1 0 सबसे पहले कैरी हम यहाँ पर लिखेंगे ऊपर में। 1 1 0 था, 0 1 1 1 चलो कैरी से स्टार्ट करो। 1 1 0 0 तो कैरी जस्ट यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 0 0 0 1 1 ठीक है। ये तो गलत है जी। यस सर, वन मिस्टेक सर, दिस इज रॉन्ग। और सबको ऐसे कैसे आया? तब तुम लोग पर विश्वास करने लायक नहीं है जी। इसका हम आंसर लिखते सबका आउटपुट आ रहा है तो हो सकता है कि बस देख कर बोल दिया, जो फर्स्ट में जो बताया क्या वो सही ही बताया है। मेरा सिर्फ 1 1 आंसर आया है सर। मेरा आंसर 1 0 0 0 0। अब एक मिनट रुको, अब देखने दो, ठीक है। अब अगले बार से भरोसा नहीं करेंगे। चलो यहाँ पर यहाँ पे चलो कैरी 1 1 0 कैरी यहाँ लिख दो सबसे पहले, ठीक है। तो 0 ठीक है, 0 1 1 1 1 0 कैरी यहाँ जस्ट इसके सामने, ऊपर ही ना भी कैरी, इसके सामने ही कैरी, इसी में ना प्लस होगा। 1 1 0 कैरी यहाँ लिखो, 0 0 0 0 1 1 1 1 0 कैरी यहाँ पर इसके सामने लिखेंगे, 1 1 0 0 कैरी यहाँ पे, 0 1 1 1 0 1 1 1 जीरो कैरी जस्ट इसके सामने, 1 1 0 कैरी 1, ये आंसर आएगा। मेरा सही है सर। तुम्हारा सही है? मेरा भी सही है सर। नहीं तो मुझे लगा कि ये सब का आ रहा है तो अब विश्वास नहीं क्या जी? तुम लोग को भी यही आंसर आ रहा था, बनाकर दम बैठ गया था, लग रहा है कि सही ही बना दिया। हाँ तुम कंफ्यूज कर गया इसलिए, आप सही बना रहे थे, मुझे लगा कि सब का ही आ रहा है तो सही है। तो बाकी लोग हम बोल दिए कि हो सकता है कि सही है, वो बोल रही थी कि डिफरेंट है, अब बोल दिए कि सभी ये सभी लोग बता रहे हैं तो इसका मतलब सही है। चलिए मेजोरिटी यहाँ थोड़ी दिखाना है। अब चलो नेक्स्ट, समझ गया ना, अब तो बन जाना चाहिए, ठीक है। अब 1 2 3 पे अब डिसाइड नहीं होगा, आप जो जो आंसर बोलेंगे डिफरेंट लिख लेंगे। 3 आंसर हम लिखेंगे डिफरेंट, 3 आंसर हम लिखेंगे। चलिए बनाइए।
यस सर आ गया बोलो तुम बोलो नहीं नहीं जो पहले ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो यस सर जो पहले बोला वो बोलो ओके सर हाँ बोलो वन वन ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो ट्रिपल वन ट्रिपल वन जीरो वन जीरो वन यस सर तुम लोग में कोई बताओ तुम्हारा डिफरेंट है यही आंसर है सेम है किन्हीं का डिफरेंट है तो बताइए यस सर डिफरेंट है आपका बोलिए ट्रिपल वन ट्रिपल वन जीरो जीरो ट्रिपल वन ट्रिपल वन जीरो वन जीरो वन और किन्हीं का आंसर डिफरेंट है डिफरेंट है हाँ बोलो वन जीरो डबल वन जीरो जीरो फिर डबल वन जीरो वन और डिफरेंट आ रहा है किसी का यस सर तो तीन ही आंसर yes, लिखेंगे तीन ही आंसर लिखेंगे yes, sir. आंसर लिख? कोई yes, तो एक ही आंसर सही होगा ना कोई एक ही आंसर सही होगा ठीक है डबल वन जीरो ऊपर वाला सही है सर ऊपर वाला सही है यस सर अब देखिए चेक कीजिए आपको ठीक है अब आइए मैं बनाता हूँ यहाँ पर ध्यान दीजिए वन वन कैरी यहाँ पर लिख देंगे जीरो वन 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 जीरो जीरो कैरी यहाँ लिख दीजिए जीरो वन 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 जीरो जीरो और कैरी यहाँ जस्ट इसके सामने इसी के साथ ना कैरी रहेगा यस सर ठीक है चलिए वन वन जीरो जीरो कैरी यहाँ लिख दीजिए ठीक है ठीक है जीरो वन 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 जीरो जीरो ठीक है ऐसे कैरी कैरी यहाँ लिख दिया ठीक है जीरो वन 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 ठीक है अभी तक सभी का सही आ रहा है राइट साइड से राइट लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं हम लोग राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं ठीक है वन वन जीरो कैरी वन ठीक है जीरो 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 वन वन ठीक है राइट वन जीरो वन ठीक है वन वन जीरो कैरी वन जीरो वन 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 जीरो कैरी वन जीरो वन 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 जीरो जीरो कैरी वन 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 जीरो जीरो कैरी वन जीरो वन 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 जीरो वन वन ना वन वन जीरो कैरी वन ठीक है ये अलग है जी यहाँ जीरो आया था ना वन वन जीरो कैरी वन वन आ जाए ऊपर वाला सही है ये फर्स्ट फर्स्ट ये फर्स्ट सही है आंसर अब आप समझ गए होंगे आप या कहीं जल्दबाजी कर रहे हैं या कहीं प्रॉब्लम हो रहा है कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है जी ठीक है क्लियर है आप देखो यहाँ पे एक चीज और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इस चीज को देखिए आप अगर हम यहाँ पे देख रहे हो कि 49 प्लस 11 क्या आया है 60 अगर हम 49 का यहाँ पे बाइनरी लिखें और 11 का बाइनरी लिखें और दोनों बाइनरी नंबर को ऐड करेंगे तो 60 का बाइनरी मिलना चाहिए
नहीं मिलना चाहिए? यस सर, मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलो 49 का बाइनरी निकालो सीरीज के अनुसार, फास्ट जो शॉर्टकट तरीका पढ़े हो, अब उतना मैनुअल मेथड नहीं। 1, 2, 4, 8, 16, 32। अब सीरीज स्टॉप हो जाएगा ना? यस सर। चलो किस किस नंबर को ऐड करने पे 49 मिलेगा? 32 और 8, 16 नहीं, हाँ 32 और 16 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 48। हाँ तो ये ऐड करना होगा, वेरी गुड, 48 होगा, होगा ना 48। यस सर। और फिर ये नहीं रहेगा 48 के बाद, फिर क्या 1 ना 1। यस सर। और बाकी के सामने क्या रख देंगे? 0 0 0। ये आपका 49 का बाइनरी हो गया। लिख दो 1 1 0 0 0 1, यही ना। 11 का बाइनरी 8 होगा, 2 होगा और क्या होगा? 1 1 0 1 1 0 1, यही होगा ना जी। ठीक है, और यहाँ पर चार डिजिट में है तो मैंने यहाँ देखो यहाँ पर लिख दिया 1 0 1 1, और इधर 0 रख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। अब इसको सम करो, 60 का बाइनरी आना चाहिए, नहीं तो गलत है। 1 1 0, यहाँ पे कैरी 1 1 0 1 1 1 0 0, कैरी 1 यहाँ 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, और ये देख लो 60 का बाइनरी है। शॉर्टकट बनाओ, शॉर्टकट रूल लिखो 1 2 4 8 8 16 16 32 32। 1 1 के सामने वाले नंबर को ऐड कर दो, 32 और 16 48 48 और 8 56 और 4 60 सही है ना? यस सर। अब मेरा प्रश्न क्या है, मेरा प्रश्न ये है कि अगर ऐसे रहता तब क्या होता? -49 और 11 इक्वल टू व्हाट? घट जाता ना? यस सर। 38 आंसर आएगा ना? यस सर, 38 आएगा। अभी आपने 49 प्लस 11 को आपने ऐड किया, लेकिन अब 49 नेगेटिव है। अब कोई कहेगा कि इसको बाइनरी में जरा परफॉर्म करो इस ऑपरेशन को, अब तो जानना होगा ना कि -49 का बाइनरी कैसे लिखेंगे। अभी तक तो आप पॉजिटिव नंबर का बाइनरी लिखना सीखे थे ना, -49 का बाइनरी कैसे हम लोग लिखेंगे? तो कहने का मतलब, हाउ डू यू रिप्रेजेंट नेगेटिव वैल्यू इन कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस में नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? टूज कंप्लीमेंट। क्या यूज करते हैं? टूज कंप्लीमेंट। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट इज टूज कंप्लीमेंट? टूज कंप्लीमेंट होता क्या है? कंप्लीमेंट का मतलब तुम मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, निगेशन, निगेटिव ना, कंप्लीमेंट का मतलब वही होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू को कंप्यूटर साइंस में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग टूज कंप्लीमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं, बहुत ही आसान। जब टूज कंप्लीमेंट मैं बता दूंगा तो आप -49 का बाइनरी लिखना सीख जाओगे। ठीक है, हटाए इसको। yes, अब मैं हटाता हूं इसको। चलिए, तो अभी मैं बताने जा रहा हूं, हेडिंग दे दो टूज कंप्लीमेंट, हेडिंग दो टूज कंप्लीमेंट। लिखो तो एक लाइन टूज कंप्लीमेंट के बारे में।
It is mainly used to represent. It is mainly used to represent. It is mainly used to represent negative value. Negative value in computer science. से एक बार फिर से बोलिए. It is mainly used to represent negative value in computer science. अब प्रश्न ये उठता है, how do you find two's complement? हेडिंग दीजिए, how to find two's complement. How to find two's complement. Question. ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख रहे हो ना? यस सर. कॉपी कलम लिख लेकर बैठा करो. यस सर. जब भी क्लास करो. फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट. फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट. फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 1 0 1 1 0 1 0 0. सेकेंड क्वेश्चन है आपका 1 1 1 0 0 1. ये दो बाइनरी नंबर है और इसका कहा जा रहा है कि टूज कॉम्प्लीमेंट निकालिए. टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए दो मेथड है, एक मैनुअल मेथड और एक शॉर्टकट मेथड. ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं. ध्यान दो, बी को आपको सॉल्व करना होगा. मैं ए को सॉल्व कर रहा हूं दोनों मेथड के थ्रू. तो बोर्ड पे अभी ध्यान दीजिए, लिखना बंद कीजिए, पहले इसको समझिए. ठीक है, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड में सबसे पहले हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. अब वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है वो चीज देखो. तो वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सारे बीट को जस्ट ऑपोजिट में चेंज कर दोगे, वंस कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा. 0 1 में 1 0 में. आ रही बात समझ में? तो फर्स्ट बना रहे हैं हम. तो चलो इधर से राइट टू लेफ्ट चलना, या इधर से भी चल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं. चलो लेफ्ट टू राइट ही बोलो. पहले वन है, क्या लिखे? 0. इसके बाद 1. इसके बाद 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1. ये वंस कॉम्प्लीमेंट निकल गया, राइट. वंस कॉम्प्लीमेंट से टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 1 प्लस कर देते हैं. टूज कॉम्प्लीमेंट अगर वंस कॉम्प्लीमेंट से निकालना हो तो वंस कॉम्प्लीमेंट का जो रिजल्ट आया है उसमें प्लस 1 क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है. अब मैं टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं यहां पे. टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट पे मैंने बोला कि आप प्लस 1 कर दीजिए, प्लस 1 ऐड कर दीजिए. और तुम बाइनरी नंबर को ऐड करना तो जानते ही. 1 1 0 0
One carry na. One one. Zero. Zero. One carry. One carry. One zero one one. तो यहाँ पे one हो गया. यहाँ one हो गया. One. यहाँ zero हो गया. Zero zero. यहाँ जीरो हो गया, यहाँ वन हो गया, यहाँ जीरो. That is called two's complement. ठीक है. सेकेंड मेथड, शॉर्टकट मेथड है सेकेंड मेथड. आप देखते बता दीजिएगा कि क्या two's complement होगा उसका. सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं वो चीज को आप देखिए. ठीक है, हमारा वैल्यू यही था वन जीरो. क्वेश्चन बोलना है आपको, डबल वन जीरो जीरो वन डबल जीरो जीरो वन डबल जीरो. राइट. यस राइट. हम लोग इस पोजीशन से देखते हैं, राइट टू लेफ्ट पोजीशन से देखते हैं हम लोग. ठीक है, कि कहां पे वन है, कहां पे फर्स्ट टाइम कहां पे वन है, फर्स्ट अकरेंस पे वन कहां मिला. तो कहां मिला, यहां थर्ड पोजीशन पे ना, यानी यहां पर मिला. ठीक है, जहां पे वन मिलेगा वहां तक बीट में कोई चेंजिंग नहीं होगा. आ रही बात समझ में. राइट साइड, राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स करने में, एक्सेस करने में, ट्रेवर्स करने का मतलब होता है एक्सेस करना. जब तुम राइट टू लेफ्ट की ओर जाओगे, जहां पे वन मिल जाएगा, ठीक है, वहां तक बिट चेंज नहीं होगा, और वन के पहले सारा बिट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. कहने का मतलब कि हम यहाँ पे जीरो को भी नहीं चेंज करेंगे, इस जीरो को भी नहीं चेंज करेंगे, और इस वन को भी नहीं चेंज करेंगे. तो वन यही ना मिला है. yes, इसके बाद सबको अपोजिट बिट से चेंज कर दो. जीरो किस में हो जाएगा, वन जीरो जीरो वन जीरो. दिस इज टूज कंप्लीमेंट. मैच कराओ इससे. आगे आ गया ना. yes, शॉर्टकट तरीका है. नोट कीजिए और मुझे इसको बनाकर दिखाइए. ओके, नोट करिए और इसको. अब हम लोग उस तरह का प्रॉब्लम बना सकते हैं. Excuse me, sir. हाँ बोलिए. सर बोल रहे हैं आप फर्स्ट मेथड में जो वंस कॉम्प्लीमेंट है सर, उसको डालने का क्या कॉन्सेप्ट है सर? वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का? यस सर. सारे बिट को चेंज कर दीजिए बस. यस, सारे बिट को चेंज करके ये प्लस वन सर. हाँ, फिर प्लस वन ऐड कर दीजिए, टूज कॉम्प्लीमेंट निकल जाए. ओके सर. डन सर. बता दीजिए क्या आंसर आया है. जीरो 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 वन 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 यही आया है. ठीक है, बन गया सभी का. यस सर. ठीक है, तो अब इसमें किन्हीं को कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए. अब मैं उस प्रॉब्लम को यहाँ पे बना रहा हूँ जो प्रॉब्लम मैंने बोला था. ध्यान दीजिए आप.
दो प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके बना रहे हैं, उसके बाद आप सारे प्रॉब्लम को आप बना दीजिएगा, मुझे विश्वास है। माइनस 40, ठीक है, और 30, क्या आएगा आंसर? माइनस 10, क्या आएगा? माइनस 10, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। चलिए सेकंड, सेकंड में हम मैंने यहां पर लिया माइनस 40, ठीक है, और 50, क्या आना चाहिए? 10, ठीक है। डेसिमल में तो आपने कैलकुलेशन कर लिया, यस सर। अब इसको बाइनरी में ना कैलकुलेट करना है, तो आइए बनाते हैं। ध्यान दीजिए आप, मैं सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व करने जा रहा हूं, मैं फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूं, यहां ध्यान दीजिए। मुझे किसका बाइनरी लिखना है जी? माइनस 40 का ना? यस सर। तो सबसे पहले 40 का बाइनरी निकाल लीजिए आप, 40 का बाइनरी निकाल लीजिए, इसीलिए तो मैंने शॉर्टकट तरीका आपको पढ़ाया था। 1, 2, 4, 8, 16, last 32, 32, right? Yes sir. So 32 और 8, इसी को ऐड करें ना? Yes sir. और यहाँ पे 0, 0, 0, 0, 0. राइट? यस सर। ये कितना का बाइनरी निकल गया? 40 का। 1, 0, 1, 1, 000, 000, 40 का ये बाइनरी निकला है, लेकिन मुझे माइनस 40 का ना बाइनरी लिखना है। यस सर। तो माइनस 40 का बाइनरी लिखने के लिए क्या करें आप, इसका क्या निकाल दें? टूस्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आइए अब यहाँ पे माइनस 40 का लिख रहे हैं टूज कम्प्लीमेंट, डायरेक्ट आप शॉर्टकट रूल से बोलिए, इधर से बोलिए, हाँ नहीं गलत बोल रहे हैं, शॉर्टकट रूल से बोलो, अच्छा राइट लेफ्ट, हाँ लेफ्ट टू राइट ही बोले हैं ना? यस सर। 0 1, 0 1, 1, 1, 1, 1, 0, 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
है, लिख दो यहाँ पर, इसके सामने लिख दो जीरो वन वन ट्रिपल जीरो। कोई दिक्कत? लिख दिया मैंने। 30 का बाइनरी निकाल लो, 1110 तो 16 और 8 क्या होगा, 24 24 और 4 क्या हो जाएगा, और 2 यही होगा ना जी। चलो यानी 1 1 1 1 0, इधर 0 रखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। अब इसको जोड़ेंगे तो -10 का बाइनरी आना चाहिए। अगर -10 का बाइनरी नहीं आया तो रिजल्ट हमारा क्या है, गलत है। तो -10 का जो बाइनरी आएगा ऑलरेडी टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म में आएगा। तुम कैसे -40 का बाइनरी लिखे हो, तो टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म में ही लिखे हो ना। और यहाँ पर जो दो बाइनरी नंबर को एड करोगे और यहाँ -10 है, तो -10 का रिजल्ट यहाँ पे कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आएगा ना। तो कैसे तुम चेक करोगे, कैसे चेक करोगे कि वो -10 का सही बाइनरी है? तो फिर से टूज कम्प्लीमेंट निकाल देंगे, तो फिर से टूज कम्प्लीमेंट निकाल देंगे तो +10 का बाइनरी आ जाएगा ना। yes. अरे बात समझ में। चलो इसको ऐड करो, 0 1 1 0 1 1 0 और एक कैरी 1। ये कितना, एक ये -10 का बाइनरी है, कितना है -10 का, कम्प्लीमेंट फॉर्म में ना आएगा। अब फिर से टूज कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो -10 माइनस बन के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ना, तो 10 का आना चाहिए, +10 का बाइनरी।
नहीं आया तो रिजल्ट तुम्हारा क्या है, गलत है, रिजल्ट यही आएगा नो डाउट, लेकिन चेक करने का तरीका क्या है, फिर से तुम इसका टूज कम्प्लीमेंट निकाल दो। आ रही बात समझ में? जब सेकेंड वाला कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद तो डायरेक्ट ना पॉजिटिव 10 का बाइनरी आएगा। चलो इसका टूज कम्प्लीमेंट निकालो तो जी, जीरो जीरो के बाद वन, अब चेंज हो जाएगा ना, चेंज करो, जीरो वन जीरो राइट। अब ये तो मीनिंगलेस है ना जी, ये तो टर्म मीनिंगलेस हो गया ना, वन के पहले लगातार जीरो है, तो देखो तो वन जीरो वन जीरो कितना का बाइनरी है, 10 का बाइनरी है। कैलकुलेट करके देख लो, शॉर्टकट तरीका लिखो, वन टू फोर एट, वन वन के सामने कौन कौन है, एट है और टू है, आया 10 का बाइनरी। यस सर। चलिए इसको नोट करो और इसको मुझे बनाकर दिखा दो फाइल। माइनस 40 का ऑलरेडी तो लिखा ही हुआ है, 50 का लिख कर देखो, बिल्कुल पॉजिटिव 10 का बाइनरी आएगा सेकेंड वाला में। सर हो गया, सर हो गया, यस सर। पॉजिटिव 10 का बाइनरी आ गया, यस सर सही है। सर यहाँ पे जो 10 का है सर, उसको 2's कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना है या फिर नहीं सर? नहीं, क्यों चेंज करेंगे, अब तो पॉजिटिव 10 ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि वो पॉजिटिव 10 का बाइनरी तो आपको पता चल रहा है, मैं तो चेक करने के लिए ना बोला था। अच्छा, रिजल्ट अच्छा। तो यही आएगा, रिजल्ट तो आपका यही है माइनस 10 का, मैंने तो चेक किया था कि अब ऐसे आपको समझने में गलत कंफ्यूजन हो रहा है ना कि माइनस 10 का बाइनरी है या नहीं, इसलिए मैंने इसको टूज कम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर दिया था। तो पॉजिटिव 10 का ये तो ऑलरेडी आपको पता चलेगा कि रिजल्ट देखकर कि ये पॉजिटिव 10 का बाइनरी है। ये सर तब तो सही है सर। 100 का बाइनरी नहीं है, नहीं आ रहा है, नहीं सर, नॉट सर, कैसे हो सकता है? देखो 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 देखो, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, माइनस 40 का बाइनरी हम लिख देना यहाँ पर, जीरो वन वन ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो। अब 50 का बाइनरी डबल वन 32 और 16 48 ना, 48 और टू और प्लस टू, यही ना, आ गया है सर आंसर, डबल वन डबल वन डबल वन डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो वन जीरो वन जीरो, यस सर। अब इसको सम कीजिए, कितने बिट में कैलकुलेशन हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो जीरो 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 वन वन जीरो वन 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 जीरो वन यहाँ पे ना, वन वन जीरो और यहाँ पर वन ना, तो ये आप कितने बीट में कैलकुलेशन था आपका, 6 बीट में ना, तो 6 बीट में ही रिजल्ट को कंसीडर करेंगे, ये वाला क्या हो जाएगा, स्किप कर जाएगा, यस सर, ये क्या कर जाएगा, स्किप कर जाएगा, स्किप कर जाएगा। अब देखिए तो अब है ना 1010, यस सर यस सर, आया हुआ है,
यही चीज देखना था, यही कंफ्यूजन हो रहा था आप लोगों को ना। यस सर। यस सर। अब आपका जो चीज मुझे चाहिए था सी प्रोग्रामिंग में, ठीक है, इतना ही चीज मुझे चाहिए था जो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मैं नेक्स्ट क्लास से सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दूंगा। हेलो सर। ओवरव्यू ऑफ सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी तो लिख ही लिए हैं, हटा देना। यस सर। एक मिनट सर। यस सर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गए आपका 18, एक मैं तो 17। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।